नमस्कार बच्चों, मैं योगेश त्रिपाठी नारायणा क्लासेस से आज आपको क्यूब रूट निकालने का शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। इस मेथड की सहायता से हम बहुत ही जल्दी 2 से 3 सेकंड में किसी भी संख्या का क्यूब नंबर निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, बस एक छोटी सी टेबल है जो हमें यहाँ पर याद रखनी है। देखिए वो टेबल क्या है कि 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, तो लिखना है हमें 7, 4 का क्यूब होता है 64, तो लिखना है 4, 5 का क्यूब होता है 125, तो लिखना है हमें 5, यूनिट प्लेस का लिखना, 6 का क्यूब होता है 216, तो 6, 7 का क्यूब 343, तो 3, 8 का क्यूब 512, तो 2, 9 का क्यूब 729, तो 9। बस हमको एक एक छोटी सी टेबल याद रखनी है और उसके बाद हम किसी भी संख्या का क्यूब नंबर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास क्यूबिक नंबर दिया हुआ है कि 10648। अब हमें ये याद करना है कि किस संख्या का क्यूब है, तो हमें ये देखना है इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, 8 है, और ये 8 हमको किस टेबल में मिल रहा है, यहाँ 2 के सामने, तो हमने ये 2 लिख दिया और लास्ट से 3 डिजिट काट दिए। लास्ट से 3 डिजिट इसलिए काटते हैं क्योंकि जब हम किसी संख्या का क्यूब लेते हैं तो उसका आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, 10। अब हमें देखना ये कि 10 किस संख्या के क्यूब से छोटा है। 10 जो है 2 के क्यूब से छोटा है, 2 का क्यूब क्या होता है, 8, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, तो ये हमारा हो गया 22 का क्यूब। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 175616। ये किस संख्या का क्यूब है, इकाई का अंक देखिए यहाँ पर 6 है, ये 6 हमको 6 के सामने मिला, ये हमने 6 लिख दिया यहाँ पर, लास्ट से 3 डिजिट हमने काटे। फिर 175 से छोटा क्यूब नंबर है 5 का, 5 का क्यूब होता है 125, ये लिख दिया हमने 56, तो ये हमारा हो गया 56 का क्यूब। अगला देखिए 9261। अब ये देखिए यहाँ पर इकाई का अंक है 1 और ये 1 हमको मिला 1 के सामने, यहाँ पर 1 लिखा, लास्ट से 3 डिजिट काट दिए, 9 से छोटा क्यूब होता है 2 का, तो ये हो गया हमारा 21 का। अगला एक और एग्जांपल देख लीजिए 6859। अब ये 9 देखिए हमें कहाँ मिला, 9 के सामने, हमने 9 लिख दिया, लास्ट से 3 डिजिट काट दिए, 6 से छोटा क्यूब होता है 1 का, 1 लिख दिया, तो ये 19 का क्यूब है। तो इस ट्रिक की सहायता से हम बहुत ही जल्दी किसी भी संख्या का क्यूब नंबर निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।